जय साई राम। नमस्कार। जब परमात्मा हमसे प्रेम करने लगते हैं तो वह सब करने लगते हैं जो हम सोचा करते हैं, जिसे हम असंभव मानते हैं। मेरे साथ एक सत्य घटना घटित हुई जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ताकि आपकी भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। जब आप परमात्मा को समर्पित होते हैं, जैसे कोई उपवास करते हैं या फिर आप कुछ खास करते हैं, मैंने 17 साल चप्पल नहीं पहनी, मैं नंगे पांव रहा, तो मजे की बात है कि 17 साल में एक भी बार मुझे कांटा भी नहीं चुभा। मैंने 2 साल अन्न नहीं खाया और परमात्मा को हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, कृपया इस प्रयोग को शारीरिक श्रम तक मत रखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि सदैव अन्न खाता रहा हूं, कहीं गलती से खा ना लो। और मजे की बात है कि पूरे 2 साल ना तो मेरी अन्न खाने की इच्छा हुई, ना ही मुझे भूख लगी और ना ही गलती से कभी मैंने अन्न खाया, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा थी, उनका आशीष मुझे मिला था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो प्रभु आपके साथ चलने लगते हैं, आपका ध्यान रखने लगते हैं। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि आप किस भक्त को अहम मानते हो, तो उन्होंने कहा कि जो भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं उससे डरता हूं, उसका ध्यान रखता हूं कि इसने मांगना नहीं है, इसका ध्यान रखना और इसे वक्त से पहले ही मैं सब उपलब्ध करवाऊं। तो अब मैं आपके साथ अपने साथ घटित घटना की बात करता हूं। बात तब की है जब मैं अन्न छोड़ा हुआ था मैंने और मैं शिरडी जा रहा था, तो मेरी धर्म पत्नी मुझसे कहती हैं कि रास्ते में ना आप दूध पी लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, पी लूंगा, क्योंकि 30 घंटे का सफर है, 35 घंटे भी लग जाते हैं। उसने फिर दोहराया थोड़ी देर बाद, रास्ते में ना दूध पी लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, पी लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर दोहराया, रास्ते में ना दूध पी लीजिएगा। मैंने कहा अरे भाई, पी लूंगा। अब जब 15 मिनट बीतते हैं तो फिर कहते हैं भूखे मत रहिएगा, रास्ते में दूध पी लीजिएगा। पहले तो मुझे हंसी आई, फिर मैंने मजाक में कहा यार हमारे बाप ने वहां पे कोई डेयरी थोड़े लगाई ट्रेन में जो मैं दूध पी लूं। तो वो कहते मेरा बाप ही अब डेयरी लगाए, आप दूध पी लीजिएगा बस। मैंने कहा पी लूंगा यार, पी लूंगा। तो हम निकले ट्रेन में, अब हम जा रहे थे तो मेरे साथ उस समय पत्रकार मेरे थे रोहित शर्मा, गुरदासपुर से हैं, अभी भी पत्रकार हैं, और एक मेरा भतीजा पारस सूरी, वो भी साथ थे। तो जब पेंट्री कार वाले खाने का ऑर्डर लेने आए तो मैंने उनसे पूछा, और एक संत आकर बैठ गए थे मेरे पास, तो मैंने संत जी से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि महाराज आपके लिए भी खाना ऑर्डर कर दूं। तो संत कहने लगे भक्त जी हम तो अन्न खाते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ फल वगैरह रखे हुए हैं, आप मेरे से वो ले लीजिएगा, हम मिलके खाएं। अब थोड़ी देर में पेनेट्री कार का कोई आता है और संत जी को पहचान लेता है, दंडवत करता है पूरा जमीन पे लेट के, वो मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। वो मैनेजर को लेने चला जाता है, मैं अपना फलाहार निकालता हूँ, संत जी को समर्पित करता हूँ, खुद भी खाता हूँ।
तो अब संत जी जब वो मैनेजर आता है दंडवत प्रणाम करता है तो वो कहते हैं इनको भी करो यानी मुझे भी करो, वो मेरे भी करता है, कहते हैं ये संत हैं मेरे बारे में वो उसको कह रहे हैं, ये अन्न नहीं खाते हैं, ये चार टाइम भोग लगाते हैं। अब मैंने तो उन्हें ही बताया था ये सब, सिर्फ इतना बोला था कि अन्न मैं नहीं खाता हूं। अब ये साईं बाबा के भक्त हैं तो आपके पास दूध रखा है? वो कहते हैं हाँ महाराज जी रखा। कहते नहीं बिल्कुल फ्रेश चाहिए, ये ऐसे दूध नहीं लेंगे, पड़ा हो चीनी भी अलग पड़ी हो आप जिसमें से आपने इस्तेमाल ना की हो, नया पैकेट खोल के दूध बना के भेजो और इन्हें पिलाओ। और कहते रात को कितने बजे सोते हो? वो कहता जी हम 10 बजे के बाद। कहते ये 10 बजे के बाद भोग नहीं लगाएंगे, मेरा नियम था कि साईं बाबा को सुलाने के बाद मैं किसी वस्तु को भोग नहीं लगाता था, यदि भोग लगाना भूल गए घर में तो मैं खाना नहीं खाता था, ऐसे ही सो जाता था। कई बार परीक्षा हुई, ट्रेन में जाते हुए भी मैं भूखा ही रहा, या किसी के घर जाते थे तो वो भोग लगाना भूल जाते थे तो फिर हम ऐसे ही सो जाते थे। परंतु उसने कहा कि ठीक है, ये कहते 10 बजे से पहले पहले दूध ले आना और कसम है तुझे अपने परमात्मा की इनको पिलाना है। वो कहता ठीक है जी। अब वो शब्द क्या बोलते हैं? कहते इनको पिलाना है, हमने डेयरी खोलनी है, यहाँ पे मिलके डेयरी खोलनी है। जब उन्होंने ये शब्द बोला तो मेरा सीधा ध्यान अपनी धर्मपत्नी के उन शब्दों की तरफ गया कि मेरा बाप ट्रेन में डेयरी खोलेगा। लो जी थोड़ी देर में दूध आ गया। संत जी कहते पियो, मैंने थोड़ा सा पिया, मुझे दूध इतना पसंद नहीं है, मैंने बाकी बांटने की कोशिश की, संत जी ने जबरदस्ती मुझे पिलाया। कहता आपके लिए डेयरी खोली है, पीना पड़ेगा, पियो। वो सारा दूध मुझे पीना पड़ा, दूध पीने से मुझे नींद आ गई, आंख खुली तो संत जा चुके थे, मुझे मिले बिना ही वो उतर चुके थे। अब जैसे ही शाम के 6 बजे वो फिर दूध लेके आ गए, मैंने भोग लगाया थोड़ा सा पिया, जब मैं बांटने लगा तो वो मेरे सर पे खड़ा हो गया कि बांटने तो नहीं दूंगा, संत जी ने कहा था डेयरी लगानी है, आपको दूध पिलाना है, पियो। वो सारा दूध मुझे पीना पड़ा। रात को 10 बजे फिर दूध आ गया, 9:30 बजे फिर भोग लगाया, बांटने की कोशिश फिर सफल रही, सारा दूध फिर पीना पड़ा। फिर उसके वही वाक्य, संत जी ने कहा था डेयरी लगानी है, दूध पिलाना है। तो देखिए कैसे परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, कैसे परमात्मा हमारे साथ चलते हैं, देखिए कैसे परमात्मा अपने साथ होने का आभास देते हैं। यदि मेरी धर्मपत्नी ने यह वाक्य बोल दिए कि उसका बाप ट्रेन में रास्ते में डेयरी खोलेगा, तो देखिए कैसे संत के रूप में परमात्मा आकर बैठ गए और वही वाक्य दोहराते रहे कि हमने डेयरी खोलनी है, दूध पिलाना है। आगे दूध पिलाने क्यों? क्योंकि मैं भक्ति में भूखा था और मेरी पत्नी की इच्छा थी कि मैं दूध पीऊं, और परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा तो सदैव पूरी किया करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम प्रेम से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो परमात्मा हमारे साथ चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुबह सुबह मेरी धर्मपत्नी जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, बच्चे की तरह रखा हुआ है, जहां भी हम साथ जाते हैं साथ लेके जाते हैं, दूध पिलाती है सुबह सुबह, तो वो थोड़ा सा भूल गई, बैठकर मोबाइल खोल लिया तो मोबाइल में सीधे वीडियो आ रही है जिसमें एक बच्चा लड्डू गोपाल बना हुआ है और उसकी छोटी सी बहन, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बहन गोद में बच्चे को लेकर वो लड्डू गोपाल बना हुआ है, मुकुट लगाया है, बिल्कुल मुरली पकड़ी है, वो फीडर से बोतल से दूध पिला रही है।
और भजन गा रही है, मेरा नंद गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। उसको देख के धर्मपत्नी को एकदम स्मरण हुआ कि मैंने तो दूध पी लाना है। यानी यदि भक्त भूलता है तो परमात्मा स्मरण कराता है। हम कहते हैं क्या परमात्मा भोग लगाते हैं, अरे देखिए भोग लगाते नहीं मांग भी लेते हैं। यदि यदि आप भोग लगाना भूल गए तो परमात्मा मांग लेते हैं, और देखिए कैसे मांग लिया और वो पहुंच गए कि लाओ भी दूध, कहाँ है दूध। और फिर मेरे धर्म पत्नी उठे और जाकर भोग लगाया। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप परमात्मा को दिल से भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं, सूंघकर ही भोग लग जाता है, उसकी खुशबू से ही भोग लग जाता है। और जब आप भूलेंगे वो आपको स्मरण कराएंगे कि आपने भोग लगाना है। तो भोग लगाना कभी मत भूलिएगा, भोग लगाते रहिएगा, परमात्मा के करीब जाते रहिएगा, परमात्मा से प्रेम कीजिएगा, प्रभु आपके सदैव करीब रहेंगे, प्रभु आपके सदैव घर में रहेंगे, प्रभु सदैव आपके घर की जो मूर्ति है उसमें विराजमान हो जाएंगे, उसमें शक्तियां आ जाएंगी। और ये शक्तियां लाने के लिए मात्र आपको नाम सिमरन करना है, प्रेम से करना है। जब आप दूध पिलाते हैं या भोग लगाते हैं ये सोच के लगाना है कि ये मेरे प्रभु को प्राप्त हो रहा है, इसकी स्मेल से ही प्राप्त हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि जितना लगाया उतना बड़ा है, ऐसा मत सोचिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जितना रखेंगे उतना नहीं रहेगा, कम होने लगेगा, हो या ना हो। आप मात्र भोग लगाइए और उसकी खुशबू से ही परमात्मा उसे ग्रहण कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि कैसे परमात्मा आपके घर में अन्न भंडार भर देते हैं। जय साईं राम।